सदर हुकूमत बदमाशी पर उतर आई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में आपे से बाहर हो गए। राना सनाउल्लाह की एक और धमकी। वफाकी वजीर दाखिला ने खबरदार किया है कि पीटीआई वाले कह रहे हैं अल्टीमेटम देंगे, अगर ढोंस धमकी दी तो 25 मई से भी बुरा हशर होगा। अगर आपने वायलेंस की, अगर आपने कोई ढोंस, कोई धांधली, कोई धमकी, कोई ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा, और उस मकसद के लिए हमारी पूरी तैयारी है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि निशानदेही हो गई है, कौन लोग कौन को गुमराह करते हैं, कौन ट्रेंड चलाते हैं। ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान जो है ये फॉरेन एजेंट है, और ये फॉरेन एजेंडे पे और फॉरेन जो है वो पैसे पे जो है इस मुल्क में अफरा तफरी और हरारकी जो है फैलाने के एजेंडे पे गामजन है। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि शहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले गुमराही का शिकार हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।